हेलो एवरीवन एवरीवन, आज बात करते हैं लेवल्स ऑफ वर्कशॉप के बारे में। तो बेसिकली ये वीडियो ऑर्गेनाइजर्स के लिए है जो वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं। किसी भी वर्कशॉप की सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें भी होमोजेनिटी रहे और जो कंटेंट्स हैं उनमें भी होमोजेनिटी रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम वर्कशॉप को कोई प्लान करते हैं तो कंटेंट्स को एक लॉजिकल फ्लो के अंदर होना चाहिए और इनके अंदर अलग अलग लेवल्स हैं जिसके अनुसार ये वर्कशॉप होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी हम बात करें क्योंकि अब बहुत सारी वर्कशॉप हो रही हैं, तो स्कॉलर्स को भी पता हो, पार्टिसिपेंट को पता हो कि इसके क्या प्रीरिक्विजिट हैं, किसी भी वर्कशॉप के उसका क्या लेवल है। हालांकि मैं इसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ और मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ओवर द इयर्स कि जो भी इनके अंदर आपस में रिलेशन है, चीज़ों को क्या नेचुरल या लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए, तो उसकी हम बात करते हैं आज। तो फर्स्ट जो लेवल है ये है जो बिल्कुल रजिस्टर अभी हुए हैं, जैसे मतलब अभी 10 दिन पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है या कुछ टाइम पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, या इवन जो प्री-PhD कोर्स वर्क चलने लग रहा है जिनका, उनके लिए सबसे पहली वर्कशॉप है ये लेवल 1 वर्कशॉप। मिनिमम 2 दिन इसमें लगते हैं। इसमें डिस्कस किया जाता है टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा क्या है, क्रॉस सेक्शनल डाटा, लॉन्गिट्यूडनल डाटा, पैनल डाटा, एक्सपेरिमेंटल डाटा, पूरी रिसर्च प्रोसेस, ROL कैसे करते हैं, मॉडल बिल्डिंग क्या है, हाइपोथेसिस किसे बोलते हैं, गैप्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने इसके कुछ वीडियो रिसर्च मेथडोलॉजी प्लेलिस्ट है, वहाँ लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 उसमें भी डाले हुए हैं। रिसर्च क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, ऑब्जेक्टिव, फिर इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं सैम्पलिंग डिज़ाइन, स्केल डेवलपमेंट यहाँ किया जाना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्केल होता क्या है, कंस्ट्रक्ट्स कितने तरह के होते हैं, या मेजरमेंट और स्टेप्स फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एटलीस्ट बाई वेरिएट तक आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे, ये सब कंसेप्चुअल है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी कभी ये कहते हैं कि लेवल 1 की वर्कशॉप है, वहाँ तो 10 लोग भी नहीं आते, और जब ये करते हैं लेवल 5 की वर्कशॉप है, वहाँ 50 लोग होते हैं जो ये क्वेश्चंस पूछते हैं लेवल 1 के। तो एक्चुअली हम सब का एक्सपीरियंस ये है कि ये तो चीज़ हम कर लेंगे अपने आप तो बटन दबाना सिखा दो हमें कि कौन सा कहाँ बटन दबाना है, लेकिन बाद में ये पता लगता है कि वो जो सॉफ्टवेयर आपको देगा वो कोई बहुत मीनिंगफुल नहीं है जब तक आपको ये बहुत इजी लैंग्वेज में ना पता हो। तो खैर, अगर ये सारा आइडिया क्लियर है तो हम चलेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो लेवल इस पे मैंने 2A 2B, अब 2C 2D भी लिख सकते हैं कि किस सॉफ्टवेयर पे काम करना है। बेसिकली हर सॉफ्टवेयर का बेसिक इंट्रोडक्शन, अगर उसमें डाटा एंट्री का प्रोविजन है, जैसे SPSS के अंदर डाटा व्यू, वेरिएबल व्यू अलग अलग होता है, फिर डाटा क्लीनिंग हर सॉफ्टवेयर में आपको आना चाहिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, आउटलायर, इम्प्रॉपर कोड्स को देखना, लॉजिकल एरर अगर आपको कैटेगरी मर्जिंग रिक्वायर्ड हो, तो ये बेसिक हर सॉफ्टवेयर में आने चाहिए आपको। SPSS में पर्टिकुलरली मर्ज केसेस, मर्ज वेरिएबल, रिकोड, विजुअल बिनिंग, ट्रांसफॉर्म, सारे मेनू के अंदर देखना। फिर SPSS में 3 बहुत स्पेशल चीज़ें हैं, सेलेक्ट केस, स्प्लिट फाइल, वेट केस, ये बहुत शानदार चीज़ें हैं। फिर अलग से है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे हैंडल करें, उनके एल्गोरिथम्स क्या क्या हैं, मल्टी टिक क्वेश्चंस को सेट एक ऑप्शन होता है वहाँ पे, सेट से करते हैं, और यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट का इंट्रोडक्शन। तो अगर आप पूरा देखें, इसमें एक हम एक्सरसाइज लेके चलें कि जिसके अंदर क्वेश्चनर देखे, बाकायदा लोगों से करवाएं कि भाई आप डाटा एंट्री करें, तो 2 दिन कम से कम लगने चाहिए सिर्फ SPSS ऑप्शंस में। यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि आपको पता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मॉडल बिल्डिंग, वो नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर है, और यही चीज़ हम आर स्टूडियो पर भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर सिर्फ इंस्टॉलेशन आ जाएगा क्योंकि आर के अंदर कोई डाटा एंट्री नहीं होती है, तो वो तो कोई भी फाइल उठा लेगा, एक्सेल की, CSV फाइल, SPSS फाइल। तो यहाँ रहेंगे पैकेजेस के बारे में। हाँ, डाटा क्लीनिंग ऑपरेशन सब रहेंगे यहाँ पे, डाटा हैंडलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, डीप्लायर इसके अंदर बहुत अच्छा एक पैकेज है, फिर बाकी के पैकेज, समरी टूल, मोमेंट, साइकी, जे टूल्स और बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो इसमें बेसिकली अप टू बाइवेरिएट करवा सकते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, 2 दिन इसमें मिनिमम लगते हैं।
आर स्टूडियो की अगर हम वर्कशॉप करें। अब इसमें एक इशू ये आता है कि यहाँ पे भी देखिए बेसिक अजम्पशन तो वही है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स पता है, हाइपोथेसिस पता है, वो सब पता है, तो यहाँ बहुत क्विकली हम टी टेस्ट अनुवाह्य कर लेंगे। होता क्या है कि जब एक ही साथ दो को मर्ज कर दें तो फिर ये 2 दिन में हो नहीं पाता है, तो मिनिमम 3 दिन लगते हैं कि एक दिन में आप कोशिश करें कि जो ऊपर हमने डिस्कस किया ये करवाएं जितना भी हो सके, और 2 दिन में आर स्टूडियो करें। इसलिए आर स्टूडियो अगर हम लेवल 1 और 2 को मर्ज करें तो ये 3 दिन का बनता है प्रोग्राम। इसी तरह से एक है मेटा एनालिसिस, बिब्लियोमेट्रिक एनालिटिक्स एक्सेट्रा। इसको भी प्री पीएचडी स्टूडेंट या जो प्री पीएचडी है, तो इनमें डिफरेंस ये है, प्री पीएचडी तो जिनका कोर्स वर्क चल रहा है या जस्ट एनरोल हुए हैं, पीएचडी मतलब जिनको कम से कम 1 साल हो गया है, और फैकल्टी मेंबर यंग फैकल्टी मेंबर्स। यंग फैकल्टी मेंबर मैंने यहाँ इसलिए लिखा, इससे पहले मैं नहीं लिखा था, मैंने यहाँ लिखा है आर में, क्योंकि आर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि फैकल्टी मेंबर्स को ये तो आता है सबको, एसपीएसएस या ये आना चाहिए रिसर्च की बातें। सो मेटा एनालिसिस और बिब्लियोमेट्रिक्स, ये दो बहुत ही शानदार सेकेंडरी डाटा बेस्ड एनालिसिस हैं। बिब्लियोमेट्रिक एनालिटिक्स साइटेशन बेस्ड चलता है, मेटा एनालिसिस प्रीवियस स्टडीज के रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। अगर हम किसी मॉडल पे काम करें और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करें तो वो मेटा सेम होता है, और एक एसएलआर है, तो ये 3 4 चीज़ें करते हैं। 2 दिन लगभग लग ही जाते हैं एसएलआर में, बिब्लियोमेट्रिक्स में 1 दिन लग जाएगा, मेटा एनालिसिस मेटा सेम 1 दिन में, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन किया जा सकता है। इसी तरह से एक अलग है थर्ड लेवल पे, अगर ये आपको सब आता है तो क्वालिटेटिव पे हम बात कर सकते हैं। ये प्री पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए ठीक है क्वालिटेटिव, तो इसमें एक सॉफ्टवेयर जो बहुत फेमस है एनवीवो, इसके इंटरफेस, डाटा सोर्सेज, इंपोर्ट कैसे करते हैं, वर्ड फ्रीक्वेंसी, कंपैरिजन करना, सेंटिमेंट एनालिसिस, सोशल मीडिया, तो ये 2 दिन से 3 दिन का एनवीवो का अलग से किया जा सकता है, 3 दिन में काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है। इसके बाद बाई वे रेट पे शुरू करते हैं। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ ये प्री पीएचडी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका डाटा कलेक्ट हो गया है, जिनको थोड़ा सा अच्छा पिछले सारे बहुत अच्छे से आते हैं, तब हम 3B में जा सकते हैं, जिसमें हम मेजरमेंट की बात करेंगे, अजम्पशंस की बात करेंगे। बेसिकली ये सिर्फ बाईवेरिएट के बारे में है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से शुरू करेंगे, टी टेस्ट, अनोवा, उसके सब्स्टिट्यूट, यू टेस्ट, एच टेस्ट, फिर कोरिलेशन, सिंपल रिग्रेशन, क्रॉस टेबुलेशन, का स्क्वायर टेस्ट। इसमें मैंने लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन को नहीं लिया है या एलडीए को नहीं लिया है, बाइवेरिएट के 3 ही ब्लॉक लिए हैं, 4 होते हैं, 3 ही लिए मैंने, लेकिन इनको जब बेहतर समझ पाएंगे, अगर आपको मीन मीडियन ये बहुत अच्छे से आते हो तो आते तो हैं, इसमें क्या आना है, आप क्लिक करें मीन की वैल्यू आ जाती है, लेकिन इन्फेरेंस ही असेंस है इन सब का, इन्फेरेंस निकालना। इसी तरह से नॉर्मेलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, लीनियरिटी क्या होती है, होमोजेनिटी वेरियंस क्या होते हैं, तो ये सारा रफली 2 दिन मिनिमम लगते हैं इस सारे में, जबकि इसमें मैंने लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन एलडीए को इंक्लूड नहीं किया है। 1 दिन तो अकेला हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे लगता है, और 1 दिन में कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत ही रश करके भाग भाग के ये पूरे कर सकते हैं आप इसको। फिर एक ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये मैंने कई वर्कशॉप में देखा, ये पता नहीं कैसे इसको कहीं पे भी ऐड कर देते हैं, वैसे तो ठीक है सीखने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्लस्टर, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, कंज्वाइंट, ये सारे मल्टीवेरिएट टेक्निक हैं जो स्पेसिफिकली मार्केटिंग के स्टूडेंट्स के लिए हैं। सो मार्केटिंग के अंदर जो एक बहुत सेंटर पे आती है वैल्यू, वो है एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। तो सेगमेंटेशन के लिए क्लस्टर एनालिसिस होती है, टारगेटिंग तो अपने रिसोर्सेज पे करते हैं, और पोजिशनिंग के लिए मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग है और कॉम्पिटिटर प्रोफाइल देखना। एक इसी का है कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस, वो भी ऐसा ही काम करती है। सो कोरेस्पोंडेंस एनालिसिस के लिए आपको एमडीएस का भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा फैक्टर एनालिसिस का पता होना चाहिए, थोड़ा सा क्रॉस टैब का पता होना चाहिए, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है कंजॉइंट एनालिसिस। तो ये हार्ड कोर मार्केटिंग के स्टूडेंट्स की टेक्निक है, फाइनेंस के एचआर के सीखें तो ठीक है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए, पर आई हैव नो आइडिया कि वो यूज़ कहाँ करने वाले हैं इसको। इसी तरह से सैम की वर्कशॉप में, किसी और वर्कशॉप में ये कहीं पे भी एज फिलर यूज करना, आई डोंट थिंक वो बहुत प्रॉपर है, इसकी अलग से ही बनता है एक ब्लॉक ये, और 2 दिन का 3 दिन का 2 से 3 दिन में ये ठीक हो जाता है। अगर आप कंसेप्ट्स भी करें पहले सारे होते क्या हैं, तो 3 दिन,
अगर आप सिर्फ ये कहें नहीं सिर्फ सॉफ्टवेयर पे करना है तो 2 दिन में हो सकता है एक सेशन में एक। फिर आता है कैटेगोरिकल, जब वेरिएबल हों खासतौर पर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट भी, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन है वैसे तो इसमें, पर ये सारे लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन या लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस मल्टीपल रिग्रेशन के ही पार्ट है। तो जहां मल्टीपल रिग्रेशन है, सिर्फ जब मल्टीपल रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मीट्रिक हो जाए तो वहां बन जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन या LDA। अगर उसकी दो कैटेगरी हैं तो बाइनरी, दो से ज्यादा हैं तो मल्टीनोमियल, अगर वो कैटेगरीज ऑर्डिनल हैं तो ऑर्डिनल रिग्रेशन। ये अपने आप में काफी लंबा और बहुत अलग है, ये इसकी कहानी भी काफी अलग है बाकियों से। यहाँ प्रोबेबिलिटी का यूज काफी किया जाएगा। आप मल्टीपल रिग्रेशन की तरह नहीं बोलते हैं कि एक्स की एक यूनिट बढ़ने से वाई कितना बढ़ता है, रादर एक्स की एक यूनिट बढ़ने से वाई की प्रोबेबिलिटी में क्या चेंज आता है, यहाँ इस तरह से बात करते हैं। तो बेसिकली ये शुरू होता है क्रॉस स्टेप से। तो अब क्योंकि लेवल 4 है तो ये मान के चलते हैं कि क्रॉस स्टेप तो आता ही होगा, आप कराए होंगे बाइवेरिएट, तो इसीलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आपको क्रॉस स्टेप आना चाहिए, पीछे की सारी चीज़ आनी चाहिए, फिर लॉजिस्टिक्स पे काम कर सकते हैं। इसी तरफ ये मैंने 4B लिखा है। 4A के अंदर थे मार्केटिंग के, 4B के अंदर है कैटेगोरिकल का, 4C है फाइनेंस का। तो ये बिल्कुल अलग है, 3 से 5 दिन की जनरली वर्कशॉप होती हैं, मुझे इनका बहुत आइडिया नहीं है, पर टाइम सीरीज है पैनल डाटा। और लेवल 5 पे हमारा आता है मार्केटिंग और HR के स्टूडेंट्स के लिए, ये है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। अब इससे पहले ये मान के चल रहे हैं कि आपको बाइवेरिएट आता है, आपको रिग्रेशन पता है, सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, आपको कंस्ट्रक्ट्स का आइडिया है, स्केल कंस्ट्रक्शन का है, डाटा एंट्री है, आपको सब कुछ आता है। तो यहाँ पे अब नंबर 1 तो कौन से सॉफ्टवेयर पे करते हैं आप इसे, एमोस पे कर सकते हैं, आप इसको स्मार्ट PLS पे कर सकते हैं, एडेनको भी है और आर स्टूडियो से भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये मिनिमम शुरू होगा एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस से, क्योंकि रिग्रेशन पीछे मान के चलते हैं कि हो चुका है। फिर कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, जिसके अंदर रिफ्लेक्टिव, फॉर्मेटिव, उनकी वैलिडिटी, कन्वर्जेंट, डिस्क्रिमिनेंट वो सब आएगा। नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी अलग है, हैंडलिंग हायर ऑर्डर ये बिल्कुल अलग है, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्टिव, सेकेंड ऑर्डर फॉर्मेटिव या रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, सारे कॉम्बिनेशंस। फिर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, मतलब ये CFA था प्लस रिग्रेशन, फिर वापस रिग्रेशन आ गया, सैम बन गया, जिसके अंदर प्रिडिक्टिव रेलिवेंस या बाकी के सारे जो स्ट्रक्चरल मॉडल के पैरामीटर्स हैं। इसके हायर इफेक्ट्स में मीडिएशन मॉडरेशन, फिर ये भी कई तरह के हैं, मीडिएशन सीरियल या पैरेलल है, मॉडरेशन मीट्रिक या नॉन मीट्रिक है। फिर रोबस्टनेस चेक, एंडोजेनिटी, कॉमन मेथड बायसनेस, अनऑब्जर्व्ड हेटरोजेनिटी, ये अपने आप में इतने लंबे लंबे हैं सारे ही। और फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ इसको क्लब किया जाता है। तो ये मिनिमम 5 दिन का तो होना ही चाहिए ये, और इस सीक्वेंस में ही होना चाहिए। तो अब ये आगे जब भी कभी हम वर्कशॉप करेंगे तो एटलीस्ट मैं अपनी वर्कशॉप में बता दूंगा कि ये वर्कशॉप इस लेवल की है और आपको ये आना चाहिए, ताकि वर्कशॉप में रिलेटिवली होमोजीनियस लोग रहें और उन्हें पता हो कि हमें क्या करना आना चाहिए, इसमें क्या डिस्कस होगा। आई होप शायद आपके लिए यूजफुल हो। बेसिकली तो ये है जो डिज़ाइन करते हैं उनके लिए है ये, स्कॉलर्स के लिए तो नहीं है, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए है ये, या जो मैं अपनी वर्कशॉप्स लेता हूँ उसमें मैं मेंशन कर दिया करूँगा कि इस लेवल की है ये चीज़ आपको आना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट द वेरियस लेवल्स ऑफ द वर्कशॉप। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, HLM की कोई बात नहीं की, हायरार्किकल लीनियर मॉडल की बात नहीं की है, और बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं, पर अभी टू बिगिन विथ ये है जो सीक्वेंस बनती है। आई होप यू विल फाइंड इट यूजफुल। वी कैन स्टॉप हियर। थैंक यू।